ये है जो है वो मोबाइल लेंस जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आज इसकी पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको देखने के लिए ही जो है मैंने मंगाया हुआ है कि इसके बारे में मैं बता दूं। इसके बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो इस तरीके से जो है दिखता है लेंस। तो ये जो है मोबाइल में लगाने के लिए होता है, और ये है वो लेंस जिसे हम मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो इसका हम जो है आपको सैंपल दिखा देते हैं, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और यदि मेरी राय पूछना चाहो तो भाई, मैं तो मेरी राय तो बड़ी अलग है, नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे तो ये नहीं पसंद आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप पहले इसका पूरा सैंपल देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके प्राइस की बात करूँ तो ये मैंने जो है अमेजोन से लिया है। तो अमेजोन पे अलग अलग जो है प्राइस उसमें दी हुई है। ठीक है, यही चीज़ कई जगह 450 में मिल रही, कई जगह 600 में मिल रही है, कई जगह 200 में मिल रही है, सेम यही चीज़। ठीक है, उसमें कोई अलग नहीं है। तो यदि आप फिर भी लेना चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो है लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ से सबसे सस्ती मिल जाए। मैंने जो है ये बहुत ही सस्ती ली है, आपको बताऊंगा लास्ट में। तो अभी आपको इसका दिखाते हैं सैंपल, किस तरीके से ये जो है जूम आउट और जूम इन करती है। ठीक है, तो ये आगे का कैप है और ये पीछे का कैप है, ये घुमाने के लिए सेट करने के लिए होता है। चलिए अब देखते हैं, हम आपको सेट करके दिखाते हैं। तो ये है एक मोबाइल जिसका 8 मेगापिक्सल कैमरा है। यदि आपके पास 8 मेगापिक्सल कैमरा है तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे पास फिलहाल ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये थोड़ा उससे कॉस्टली है, और उसका जो है कैमरा भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो अभी आपको दिखा देते हैं। मैं इस कैमरे से भी दिखाऊंगा जिससे मैं शूट कर रहा हूँ ना, मोबाइल से इससे भी दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कम रैम का कैमरा है, कम एमपी का कैमरा है, तो आप उसको मुझे तो नहीं उचित लग रहा इसको। चलिए मैं अभी जो आपको सेट करके दिखा देता हूँ, इसको ऐसे सेट होना है, ये इस तरीके से इसको एकदम फिक्स लगा देना है। शायद आपको सही नहीं दिखा पा रहा हूँगा, क्योंकि मैं चलिए आपको जल्दी जल्दी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको हम कस देते हैं। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने इसको कैमरा ओपन किया, और अभी हम इसका जो है आपको रिजल्ट दिखा देते हैं। तो पहले आपको एक चीज़ पर फोकस करा देते हैं, कोई सी भी मान लीजिए मैं आपको क्या दिखा दूँ आपको, चलिए ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये पेड़ आपको दिख रहा है ना, इसी पेड़ को हम जूम करके देखते हैं इस मोबाइल से। तो चलिए अभी इसको देखते हैं और इसका जो है टेस्ट करते हैं। ये वो पेड़ जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है वो पेड़। आपको किस तरीके से दिख रहा होगा, एकदम जो है धुंधला तरीके का दिख रहा है, उतना देख लीजिए आप, इस तरीके से भी देख सकते हैं यहाँ से। ये जो है अब देखिए, मैं इसको हटा दूँ और ये जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये एकदम मज़ेदार ही नहीं है। और ये इसको कैमरे हटा के यदि मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें आप देख सकते हैं ये इस तरीके की क्वालिटी, तो कितना धुंधला जो है, एकदम उतनी अच्छी बेहतर क्वालिटी इसमें नहीं है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसी कैमरे से जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं इसकी आपको जूमिंग दिखा देता हूँ, इसकी जूमिंग आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी इसकी जूमिंग है। ये जो है ये जो घर आपको दिख रहा होगा ये इतना जो है जूम कर देता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इतना इसने जो है जूम कर दिया है। ये जो पेड़ आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा था, ये अच्छा खासा दिख रहा है। अब चलिए इसको जो है करते हैं इस कैमरे से सेटिंग्स, इसको जो है जूम आउट कर देते हैं, और अब इसको जो है लगा करके देखते हैं ये किस तरीके की जो है चीज़ें। और मैं आपको दो इसकी लास्ट में फ़ोटो सैम्पल भी दिखा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपको भैंसियाँ दिख रही होगी। ठीक है, भैंसियाँ जो है घास खा रही हैं, तो मैं वहीं आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं अपने जो है, पहले मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये जो है भैंसियाँ हैं, ये है मोबाइल का कैमरा। ठीक है, अब वापस वहीं पहुँचते हैं। और तो अभी आप देख सकते हैं ये जो है मैंने वो लेंस लगा करके इसको जो है जूम दिखाया है। अब आप वो देख सकते हैं भैंसियाँ जो है इस मेरे जो मोबाइल का कैमरा है उससे भी बेकार दे रहा है क्वालिटी। और यदि मैं इसको जूम करूं तो कुछ समझ में भी देखती है,
इस तरीके से, मतलब मैं मोबाइल का जो कैमरा है वो जूम कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से जो है दिखता है, जिसको मैं, यदि आप देख सकते हैं वो आपको जो है गाय दिख रही है, अब मैं उंगली भी नहीं आपको दिखा सकता, और ये भैंसियाँ जो है दिख रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यदि मैं इसको कैमरा इसका जूम हटा दूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से जो है आता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है दिख रहा है। अब आप यदि लेना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं, ये जो है इस तरीके से, मैं पहले जूम आउट कर लूँ इसको और फिर आपको दिखा देता हूँ। ये जो है, चलिए इस तरफ आपको दिखा देते हैं, ये जो है इस तरीके से आएगा लेंस, और इसकी जो है कीमत मेरे को पूरी पड़ी 299 रुपये। तो आप इसको लेने के लिए, आप जब भी इसको सर्च करेंगे मोबाइल लेंस, तो आपके पास बहुत सारे जो है अमेज़ोन पर प्रोडक्ट दिख जाएंगे, जो कि कई 650 के आसपास के होंगे, और कुछ 400 होंगे, कुछ 300 होंगे, मतलब 300 में आपको वो वाले मिलेंगे जो सिर्फ इतना छोटा दिखता है, एक छोटा वाला लेंस आता है सिर्फ ऐसा, इसमें एक लेंस लगा होता है, वो शायद अच्छा हो, तो या तो आप बहुत अच्छा वाला लें, जैसे 1000-2000 रुपये का लें, या फिर इस तरीके का, तो मैं तो कभी नहीं लूँगा फ़िलहाल, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और फिर भी आप यदि लेना चाहें तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, यदि मुझे इस पर अच्छे लाइक्स और अच्छे शेयर मिले, आपको ये वीडियो शेयर कीजिएगा तो अच्छा, यदि ये चला वीडियो, तो मैं अगले वीडियो में बहुत लंबा वाला, लगभग इतना लंबा वाला जो है दूरबीन लाऊंगा, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे क्या कैसा चलता है, कितना अच्छा उसमें क्लियर दिखता है। तो आपको सिर्फ लाइक और शेयर करना है। यदि मुझे अच्छा इस पर रिजल्ट मिला तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।